सर आपको तकलीफ़ होगी, आपके साथ बच्चे भी हैं। अरे नहीं, हमारे पास बहुत खाना है, कोई चिंता की बात नहीं। तब तक पत्नी ने एक प्लेट में 5 पूरियाँ, भिंडी की सब्ज़ी और अचार आगे बढ़ा दिया था। बेटे ने पानी की एक बोतल भी पास कर दी। तो अब खाना शुरू करो, हम लोग भी खाते हैं। उसने दुपट्टा सिर पे किया और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खाना शुरू किया। हम लोग भी खाना खाने लगे। गाड़ी चलने पर टीटी साहब आ गए। हमने अपनी टिकट चेक करवाए और उस लड़की के साथ हुई दुर्घटना बता दी। मोबाइल से आईडी प्रूफ भी दिखाया। सर ऐसे चलता तो नहीं है, पर मैं रेलवे से ही हूँ, हेड ऑफिस से। लड़की झूठ नहीं बोल रही है, मैंने कहा। सर रास्ते में कोई तकलीफ ना हो तो आप संभाल लीजिएगा, वैसे मैं अम्बाला तक तो हूँ और अम्बाला की टीम मुझे जानती है, अगर आए तो मैं उन्हें बता दूंगा। वह आगे बढ़ गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जम्मू पहुँच के किसी को बुला लूँगी घर से। कहाँ है घर? मैंने कहा, जम्मू से 5 घंटे का रास्ता है, भाई या अब्बू आ जाएंगे। कितने पैसे लगते हैं? नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं मैनेज कर लूँगी, वह बोली। ये लो 500, काम चल जाएगा ना? मैंने पैसे देते हुए पूछा। सर मैं आपको वापस भेज दूँगी, आपका कार्ड दे दीजिए। मैं हंसा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि कार्ड की ज़रूरत हो। हाँ मेरा नंबर लिख लो कहीं, और घर पहुँच के मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। बात भी हुई थी और पता भी बताया था। हम लोग भी इस घटना को भूल चुके थे। मैं ऑफिस से घर पहुँचा तो डाक में 2-3 किताबें और एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, और उसमें शायद कुछ रखा भी हुआ था।